तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने का मतलब होता है बच्चों आपको एक्स और वाई के बीच में एक समीकरण फाइंड करना है। आपका जो लास्ट का फाइनल आंसर आएगा वो एक्स और बीच में एक लीनियर इक्वेशन आएगी और उसके लिए बच्चों आपको बोला गया है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, उस पॉइंट पी का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल बोला गया है। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आप पॉइंट पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड करो और अगर आप इसी पॉइंट पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करो, तो अगर आप एपी का डिस्टेंस 2 यूनिट लेते हो तो बीपी का डिस्टेंस भी 2 यूनिट ही होगा। और बच्चों आपको पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स कोमा वाई, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं बच्चों 7.1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं बच्चों 3.5। तो आपको बच्चों इसके अंदर x और y के बीच में एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, वही आपका रिलेशन होगा x और y के बीच का। तो देखिए बच्चों आपको जैसा कि मैंने कहा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे PA का डिस्टेंस जो है वो PB के डिस्टेंस के बराबर है। और क्योंकि बच्चों हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो जब PA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा तो बच्चों आपके सामने स्टेटमेंट आएगी x माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। इसी तरह बच्चों जब डिस्टेंस PB फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी x माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट बचेगी x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम चारों ही टर्म्स में a माइनस में b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सर इसका फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में 49। देन बच्चों आप लिखेंगे y स्क्वायर माइनस में 2y और प्लस में 1। देन बच्चों आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9। देन बच्चों आप लिखेंगे y स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 10y। बच्चों हमने चारों के चारों टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ a माइनस b का होल स्क्वायर ही अप्लाई किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x स्क्वायर और राइट हैंड साइड में प्लस x स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस y स्क्वायर और आपके राइट हैंड साइड में प्लस y स्क्वायर भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों आपके पास स्टेटमेंट बचेगी माइनस 14x माइनस 2y और बच्चों प्लस का 49 और प्लस का 1 सॉल्व होके बन जाएगा प्लस का 50 इक्वल टू में बच्चों माइनस का 6x और माइनस का 10y एज इट इज और ये प्लस का 9 और प्लस का 25 सॉल्व होके आ जाएगा बच्चों प्लस का 34। देन बच्चों आप इसको लिख सकते हो माइनस 6x प्लस 14x माइनस 10y प्लस 2y प्लस 34 माइनस 50 इक्वल टू में 0। बच्चों हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म थी हमने इन सभी टर्म्स को अपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो माइनस का 14x प्लस हो गया, माइनस का 2y प्लस 2y हो गया और प्लस का 50 माइनस 50 हो गया। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 6x और प्लस का 14x आपके पास आ जाएगा प्लस का 8x। इसी तरह बच्चों जब माइनस का 10y और प्लस का 2y आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 8y। इसी तरह बच्चों माइनस 50 और प्लस 34 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 और इक्वल टू में 0। बच्चों हर जगह से 8 को कॉमन ले लो तो आप लिख देंगे x माइनस में y माइनस में 2 इक्वल टू में 0। बच्चों 8 मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में आके डिवीजन में आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 8 और 0 डिवाइडेड बाय 8 बच्चों 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा x माइनस y माइनस 2 और x माइनस y माइनस 2 आपका एज इट इज रहेगा। तो यही बच्चों आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो एक लीनियर इक्वेशन आएगी, तो आपके पास लास्ट में बच्चों एक लीनियर इक्वेशन आ गई है और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देन बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर कैटेगरी का है। सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों आपको लिख कर दिया गया है कि अगर आप डिस्टेंस फाइंड करो पॉइंट पी का एक बार पॉइंट ए से और फिर पॉइंट बी से तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो बच्चों इस बार आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है कि 3x प्लस में y की वैल्यू इक्वल टू में 5 है। ये बच्चों एक तरह का रिलेशन ही है।
पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने खुद रिलेशन फाइंड करा था और सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको रिलेशन प्रूफ करना है कि लास्ट का जो आंसर आएगा वो 3x प्लस में y इक्वल टू में 5 आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट P आपको दिया गया है x, y। पॉइंट P का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे A से, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3.6, और इसी पॉइंट P का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे पॉइंट B से, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -3.4, तो ये दोनों आपस में इक्वल बोले गए हैं। यानी कि बच्चों आप लिखेंगे PA डिस्टेंस इक्वल बोला गया है PB डिस्टेंस के। फिर बच्चों जब आप PA डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस PB की वैल्यू आएगी बच्चों x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको x प्लस 3 वाली स्टेटमेंट में डाउट नहीं रखना, क्योंकि हम जब बच्चों x1 में से x2 को माइनस करेंगे तो बच्चों आप x में से माइनस करेंगे -3, माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर बन जाएगा x प्लस 3। वही मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देन बच्चों सिंपल टर्म आ जाएगी y माइनस में 4 का होल स्क्वायर। देन बच्चों जैसे हमने पहले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट करा था, ये कट हुआ, तो बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट बची सिर्फ और सिर्फ x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 4 का स्क्वायर। देन बच्चों हम इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे और इस बार a प्लस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा बच्चों इस x प्लस 3 के स्क्वायर में। तो बच्चों सबसे पहले आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9। देन बच्चों जब आप y माइनस 6 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस में 12y। इस इक्वल टू सेम रहेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे बच्चों तो आएगा x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में 8y। देन बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x स्क्वायर और राइट हैंड साइड में प्लस x स्क्वायर कैंसिल। इसी के साथ बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 9 और राइट हैंड साइड में प्लस 9 भी कैंसिल। इसी के साथ बच्चों आपका प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर भी कैंसिल। तो बच्चों आपके पास स्टेटमेंट बची माइनस का 6x, माइनस का 12y और प्लस का 36। इस इक्वल टू में बच्चों आपके पास आया 6x माइनस में 8y और प्लस में 16। अब बच्चों आप देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर x जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए हम इस माइनस के 6x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में पहले से ही बच्चों 6x है और ये वाला आएगा तो प्लस में 6x। देन बच्चों माइनस का 8y है तो माइनस 8y एज इट इज रहेगा, और जब ये माइनस का 12y प्यारे बच्चों हमारे राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 12y। अब आप देख सकते हैं बच्चों आपके इक्वल टू में कॉन्स्टेंट नंबर आना चाहिए, यानी कि बच्चों इक्वल टू में आपका 36 तो रहेगा ही, और ये प्लस का 16 जो हमारे राइट हैंड साइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस में 16 आएगा। देन बच्चों जब आप 6x और 6x को प्लस करोगे तो आएगा 12x। देन बच्चों माइनस के 8 में प्लस का 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 4y और इक्वल टू में आएगा बच्चों 20। हर जगह से बच्चों 4 को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस में y और इक्वल टू में आ जाएगा 20। देन बच्चों आप लिखेंगे 3x प्लस में y जो है वो इक्वल टू में है 20 डिवाइडेड बाय 4। देन बच्चों आप लिख देंगे 3x प्लस में y की वैल्यू जो है वो है इक्वल टू में 5, क्योंकि 4 इंटू में 1 4 होता है और 4 इंटू में 5 20 होता है। तो बच्चों यही आपको स्टेटमेंट लास्ट में प्रूफ करनी थी कि 3x प्लस में y जो है वो इक्वल टू में 5 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यही लीनियर इक्वेशन आपके लास्ट में आनी चाहिए, तो वो इक्वेशन हमारी लास्ट में आ चुकी है, इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। देन बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको 3 रैंडम पॉइंट दिए गए हैं जिनका नाम दिया गया है हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। बच्चों आप देख सकते हैं पॉइंट सी में एक वेरिएबल है के, और आपसे बच्चों लास्ट में ये के का मान ही याद करने के लिए कह रहे हैं, और इसके लिए बच्चों आपको एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और वो त्रिभुज जो है बच्चों वो एक समकोण है। समकोण का मतलब बच्चों 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर एंगल बी पर बच्चों 90 डिग्री रहेगा। तो बच्चों ये हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर पॉइंट बी जो है वो बेस पे रहेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बी पर दिया गया है, एंड पॉइंट ए हमने ले लिया ऊपर और पॉइंट सी हमने ले लिया बेस पर। अब इसके अलावा बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2.2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5.2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बच्चों k.8।
अब देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले का बच्चों यूज आपको इस क्वेश्चन में इसलिए करना है क्योंकि आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बच्चों आप लिख सकते हैं साइड एसी का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है, साइड एसी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर के। तो बच्चों हम अपनी इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए अपने के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस स्टेटमेंट के अंदर बच्चों जो साइड ए सी आई है, साइड ए बी आई है और साइड बी सी आई है, ये और कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस है ए बी बी सी और ए सी का। तो इसका मतलब यही है बच्चों, साफ साफ आपको डिस्टेंस ही क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फाइंड करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर साइड पर सबसे पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी। तो बच्चों जब आप डिस्टेंस ए बी फाइंड करने जाएंगे तो आप यही लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपके पास स्टेटमेंट आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 2 यानी कि 0 का स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई 7 यूनिट। तो बच्चों हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली 7 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी सी। तो बच्चों डिस्टेंस BC जब फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और इसके अंदर प्लस कर दो 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। फिर बच्चों दोबारा से k माइनस 5 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और बच्चों 6 का स्क्वायर लिख दो आप 36। इसका मतलब ये है बच्चों आपने डिस्टेंस BC निकाला स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 36, और यहाँ पे अलग से लिख देंगे यूनिट। देन बच्चों आपको फाइंड करना है डिस्टेंस AC। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे k प्लस 2 का होल स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि जब आप k में से माइनस करेंगे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी k प्लस 2। देन बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर। देन बच्चों आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 होल स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर आएगा बच्चों आपके पास 36, और साथ में आप यहां पे लिख देंगे बच्चों यूनिट। तो बच्चों आपने AB का डिस्टेंस निकाला 7 यूनिट, बच्चों आपने BC का डिस्टेंस निकाला स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 36 यूनिट, एंड आपने AC का डिस्टेंस निकाला k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 36 यूनिट। देन बच्चों आप AB डिस्टेंस, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस की वैल्यू अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पे बच्चों AC स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप ध्यान से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपने AC की वैल्यू निकाली है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 36, और इसका करना है बच्चों आपको स्क्वायर, फिर इक्वल टू बच्चों AB आपने निकाला है 7 का स्क्वायर। बच्चों BC डिस्टेंस आपने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 36, और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी k प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 36 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, k माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसके अंदर प्लस 36 एज इट इज रहेगा। देन बच्चों आप यहाँ पे k प्लस 2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4k और प्लस में 36 एज इट इज इक्वल टू में 49 एज इट इज, प्लस यह आएगा k स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10k और प्लस में 36 एज इट इज। फिर देखिए बच्चों आपका प्लस का 36 और प्लस का 36 कैंसिल हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच्चों वैल्यू बचेगी 4k, और ये जो माइनस का 10k है लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस होगा, तो प्लस 14k इक्वल टू में आपके पास है बच्चों 49 प्लस में 25, और बच्चों ये वाला प्लस 4 राइट हैंड साइड में आके माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पर 14k क्यों लिख दिया, तो बच्चों यहाँ पे 14k नहीं आएगा, यहाँ पर हमने इस 10k को ट्रांसफर करा था, तो आप 14 की जगह पर 10 कर लो, यहाँ पे 10k आएगा। देन बच्चों जब आप 4k में 10k को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 14k इज इक्वल टू 49 में 25 प्लस करेंगे बच्चों, तो यहाँ तक की वैल्यू बनेगी हमारे पास 74 में से बच्चों ये 4 माइनस करेंगे तो आप वैल्यू आएगी 70। बच्चों k की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगी 70 डिवाइडेड बाय 14, इसका मतलब है k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, k की वैल्यू आ गई 5, और इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हमने
डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करा और साथ में ही हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, तो हमारे लास्ट में फाइनल आंसर आ गया के का मान 5। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है। आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो रेशो दी गई है 2:3 और बच्चों आपको दो पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं -3.2 एंड -8.7। तो बच्चों आपको इसके अंदर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो पॉइंट इन दो पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई लाइन को 2:3 की रेशो में डिवाइड करते हैं। यानी कि बच्चों अगर आप एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी, मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिया जिसमें से बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -3.2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -8.7। और बच्चों अगर आप इस पे एक रैंडम पॉइंट ले लो सी जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं तो ले लेते हैं a, b। तो बच्चों ये जो पॉइंट सी है ये ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 की रेशो में डिवीजन कर रहा है। तो आपको बच्चों अब पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड करना है क्या बनेगा। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि जो ये रेशो 2 लिखी है हमने यहाँ पर, ये रेशो 2 हमेशा ही पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी और ये जो रेशो 3 है हमेशा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी कि बच्चों अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू बच्चों एक्स के पॉइंट पे है, इसका मतलब है बच्चों -8 जो है सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे 2 × -8 प्लस में ये जो आपका 3 है बच्चों -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 3 × -3 डिवाइडेड बाय रेशो का सम करेंगे तो 2 + 3। देन बच्चों लिखेंगे ए इज इक्वल टू -16 और -9 डिवीजन में 5। देन बच्चों आएगा ए इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी -5। बच्चों हमने कोऑर्डिनेट सी में से पॉइंट ए फाइंड करा है -5। अब इसी तरह बच्चों हम जब पॉइंट बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि बच्चों आपका जो 2 है वो पहले ही 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 2 × 7 प्लस में और ये 3 जो है बच्चों आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 3 × 2 और इसको बच्चों डिवाइड करेंगे 2 + 3 से। देन बच्चों लिखेंगे बी इज इक्वल टू 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 5। देन बच्चों लिखेंगे बी इज इक्वल टू 20 / 5। देन बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और बच्चों बी की वैल्यू 4 आते ही आप यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे पॉइंट सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -5, बी की वैल्यू है 4 और यही बच्चों आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है -5.4।